Hello and welcome to Ground Rules, a show that brings to you a flavor of India's political grassroots right here on Lok Sabha TV. From the constituency to the Lok Sabha, here is a show that combines several factors in one place. First of all, what does the idea of democracy mean to the people in whose name we rule? Secondly, what is the vision of the Member of Parliament recently elected to the 15th Lok Sabha? Indeed, what is the mandate of the constituency which she now represents in the House? What's new about the promises she's made to the people back home on the ground, and how does she fulfill them over the next 5 years? And last of all, as we measure ground level challenges, here is the question: what are the various threads that connect the hopes of the constituency to the grand idea of the Democratic Republic, indeed to the idea of India? To answer all these questions and more, I have with me here in the studio today Ms. Poonam Veljibhai Jat, Namaskar, the BJP MP from Kachchh in Gujarat, and I am Jyoti Malhotra. Poonam ma'am, aapka Lok Sabha TV mein swagat hai. Thank you. So ye bataiye, aap pehli baar Lok Sabha mein chunke aayi hain aur aapki umar bhi bahut kam hai. 40 saal se mujhe lagta hai ki kam hi hai, lekin ye jo confidence aap mein hai, aap Gandhidham se corporator bhi reh chuki hain. तो ये बताएं कि ये जो सेल्फ एश्योरेंस है आप में, जो कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से आया? बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं इलेक्ट हुई हूँ, ये सारा कॉन्फिडेंस वहां से आता है. अच्छा. क्योंकि कच्छ एक अलग जगह है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, और मुझे बहुत गर्व है. आई एम रियली प्राउड कि मैं कच्छ की एमपी हूं. तो किस तरह की विशेषताएं हैं? ये विशेषता है कच्छ में के एरिया वाइज ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर एरिया है कच्छ कॉन्स्टिट्यूएंसी का. कच्छ सबसे बड़ा क्षेत्र है. हाँ, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा. ये डिस्ट्रिक्ट के बाद कच्छ डिस्ट्रिक्ट तो खैर सेकंड माना जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी राजकोट दो तालुका जो राजकोट के हैं, माड़िया और मोरबी, अब वो कच्छ में ज्वाइन कर दिए गए हैं. तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेट, 400 स्क्वायर किलोमीटर. ऑलमोस्ट बिगर देन हरियाणा स्टेट. ओके, वेरी गुड. कच्छ इज बिगर देन हरियाणा स्टेट. सो सच अ यंग एमपी लाइक यू रिप्रेजेंटिंग सच अ बिग कॉन्स्टिट्यूएंसी. बिल्कुल बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ माई कच्छ. बहुत खूबसूरत जगह है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कहीं भी आपको पूरे इंडिया में रेगिस्तान और पहाड़ और शीशोर तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छा, हमारे कच्छ में वो तीनों चीजें एक साथ हैं. अच्छा, तब तो बहुत ही स्पेशल है. तो अब ये बताएं कि आप अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए पहली बार आप इलेक्ट होके आई हैं, और जो मैंने कुछ आपके प्रोफाइल के बारे में कुछ पढ़ा, आपके जो एमपी लाइट स्कीम में आपको मेरे ख्याल अब तक 1 करोड़ रुपया जो है दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत ही कम खर्च किया है आपने, सिर्फ 0.13% आपने खर्च किया है, करीब 85-86% तो अभी तक बाकी पड़ा हुआ है. तो क्यों इतना कम क्यों खर्च किया आपने? मैंने ऑलमोस्ट अपना 1.5 करोड़ जो पैसे हैं वो दे दिए हैं, लेकिन कुछ मे बी यू नो वो प्रोसेस में होंगे. तो अभी एलोकेट हो गया. हाँ, एलोकेट हो गया. तो किस पे आपने क्या क्या खर्च करना चाहते हैं? हर चीज तालुका वाइज मैंने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी है लाइक असेंबली है, उसको 20-20 लाख रुपीज में बांटा है, और उसके हिसाब से ही सब जगह एजुकेशन के लिए, कहीं वाटर टैंक नहीं है तो उसके लिए, कहीं सीसी रोड के लिए, इस तरह से अलग अलग कामों के लिए पैसे दिए हैं. तो आपने मुझे जैसे बताया कि आप कॉरपोरेटर थी गांधीधाम से, पहली बार आप एमपी चुन के आई हैं, तो कॉरपोरेटर की पॉलिटिक्स में, कॉरपोरेटर की राजनीति में और एमपी की राजनीति में क्या फर्क दिखाई देता है? राजनीति में देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है. इनफैक्ट जो कॉरपोरेट लेवल है वो फाउंडेशन है. आप कोई भी इलेक्शन लड़ लीजिए, वो एमएलए का हो, एमपी का हो, या फिर वो एक कॉरपोरेटर का हो. लोगों को सिर्फ प्राथमिक सुविधाएं चाहिए होती हैं, जैसे पानी, गटर और लाइट. उनका इलेक्शन तक यही होता है कि भाई हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है या नहीं, वो फिर वो सिटी में रहते हो या फिर वो गांव में रहते हो. तो मुझे लगता है कि एक कॉरपोरेटर का इलेक्शन जितना इम्पोर्टेंट है, और उसी के बेसिस पर हम एमपी का भी इलेक्शन लड़ते हैं. लोगों की अपेक्षाएं यही है कि बिजली, पानी, बिजली, सड़क, पानी जो बेसिक एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात होती है. बिल्कुल. लेकिन आपके गुजरात में तो कहा जाता है, माना जाता है कि नरेंद्र मोदी का जो गुजरात है वो बहुत ही डेवलपमेंट के तौर पे बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो आप बातें कह रही हैं, ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसमें? मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि कॉरपोरेट का भी इलेक्शन इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एमपी और एमएलए. बेस वही होता है, लोगों की अपेक्षाएं वही है. बाकी जहां तक गुजरात की बात करें और हमारे सीएम साहब श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो मुझे लगता है कि उनका काम शायद पूरे इंडिया में बेस्ट है, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट वर्क नहीं
10 साल पहले कच्छ में भूकंप आया था और तब से एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार गुजरात में और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कच्छ में कि मुझे लगता है कि कहीं जो हमारे लिए एक अभिशाप था भूकंप, वो आज हमारे लिए एक वरदान बन गया है। तो एक तरह से ये जो डेवलपमेंट वाली जो बात है, हम ये भी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं इंडिया में कि एक तरफ डेवलपमेंट की बात है, दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजी की बात है। तो दिस डेवलपमेंट वर्सेस आइडियोलॉजी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसमें कहा जाता है कि जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो एक बहुत डिविसिव आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो एक जो डिवाइड जो है जो बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत सारे ऐसे भ्रम, बिकॉज इफ अ पर्सन इज रियली वर्किंग हार्ड, तो उनके बाद में बहुत सारे लोग भ्रम भी खड़ा करते हैं, तो मुझे वो बिल्कुल बातें गलत लगती हैं। आप इनफैक्ट गुजरात की, यहां की जो एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि गुजरात के मुस्लिम सबसे ज्यादा वेल ऑफ हैं पूरे इंडिया में, तो कहां ड्रिफ्ट की बात है, दे आर डूइंग वेरी वेल। और आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा ये जानकर कि इवन कच्छ कॉन्स्टिट्यूएंसी, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा बस्ती मुसलमान की अहमदाबाद में है और सेकंड नंबर कच्छ में है, लेकिन आज तक भी कभी वहां पर कोई कम्युनल राइट नहीं हुए हैं। और कच्छ इतना बड़ा ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेट है, तो आप इमेजिन कीजिए कि कहां मुस्लिम्स को वहां पर प्रॉब्लम है। दे डूइंग क्वाइट वेल इन कच्छ इवन। ओके, तो यू डोंट फील दैट डेवलपमेंट can be in contradiction to ideology, that both can go hand in hand. They can both go hand in hand, and I think Gujarat is the best example and Shri Narendra Modi is the best example ki ideology aur development dono saath saath chal sakte hain. To aapko lagta hai ki dusri party ke netaon ko bhi unka example, bilkul mujhe lagta hai bilkul unka example lekar kaam karna chahiye. Aur in fact bahut jagah se, even states like Odisha and Bihar and all, they ask for exactly ki kis tarah se humne itna development kiya hai Gujarat mein, iske liye wo log bhi guideline mangte hain. To aisa hai, Gujarat is doing really very well. To jaise aapne kaha ki aapke constituency mein jo musalmanon ki abadi hai kafi unchi hai, bilkul second in Gujarat. Okay, so what is it that as an MP now for Kutch, what is it that you want to do? मुझे लगता है कि जहां तक सरकार की परिभाषा क्या होनी चाहिए कि आपके जो भी आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हो या आप एक स्टेट को बिलोंग करते हो और आप वहां पर सरकार चला रहे हो, तो जो बिल्कुल पुअर से पुअर व्यक्ति है उसे रोजगार मिले, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट तो ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन हर व्यक्ति को रोजगार मिले इसके लिए हम काम कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन ही। या बिल्कुल रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, कि आपको मतलब धर्म को नजरअंदाज करके उसको एक अलग से बिल्कुल वो अगर अगर वो कच्छ में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहा है तो दैट इज इम्पोर्टेंट बेसिकली कि उसे रोजगार मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ ही इज अ मुस्लिम और अ दलित और अ हिंदू एनी वे। लेकिन ये जो ये जो बातें कर रही हैं आप पूनमबेन, मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव आए, एक तरह से अगर आप जैसे अगर आपने याद किया हो 2002 या 2003 के जो कम्युनल राइट्स हुए थे गोधरा को लेकर, तब से अब तक बहुत फर्क हुआ है, बहुत फर्क आया है। उस वक्त डेवलपमेंट की इतनी बात नहीं होती थी, आज डेवलपमेंट की ज्यादा बात हो रही है, ये क्यों हुआ है? इसे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट जब से हमारी सरकार आई तब से ही डेवलपमेंट की बात हो रही थी, क्योंकि कच्छ में जब भूकंप आया तब यहां पर एनडीए की सरकार, जनवरी 26, 2001 में, तब यहां पर दिल्ली में एनडीए की सरकार थी और तब भी कच्छ की जो प्रायोरिटी थी वो डेवलपमेंट वर्क ही था। और इन 10 सालों में कच्छ हैज कम अ लॉन्ग वे, एंड आई एम रियली प्राउड टू से कि बिल्कुल बीजेपी की सरकार, उस वक्त ही एनडीए की सरकार ने तो वहां टैक्स हॉलीडे दिया, इसलिए हजारों इंडस्ट्रीज आज कच्छ में हैं और कच्छ बिल्कुल बहुत डेवलप हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी। अब देखिए तो सड़कें, पानी, हमारे तो कुछ गांव ऐसे हैं जैसे नारायणपुर और मिर्जापुर, ऐसे गांव हैं वो तो दे कॉम्पीट विद सिटीज, ऐसे गांव है हमारे पास। और एक हमारे कुछ ऐसे गांव है जहां आपको यूएस पिज्जा भी मिल जाएगा। किस तरह का यूएस पिज्जा? बस जैसा यूएस पिज्जा होता है वैसा। अच्छा, गांव में? गांव में। तो आप सोचिए कि कितना लेवल हाई है गांव का भी। लेकिन ये जो आपके सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये जो मैंने पढ़ा है आपके कंस्टिट्यूएंसी के बारे में, काफी बहुत ऊंचे नहीं है, मतलब बाकी नेशनल लेवल के मुकाबले में तो फिर भी ठीक ठाक है। जैसे लिटरेसी रेट जो है आपका 69%, इलेक्ट्रीफाइड हाउसहोल्ड्स तो खैर काफी है, 89%, 90% के करीब है, लेकिन जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है पूनमबेन बहुत ही हाई है, 93/1000 लाइफ बर्थ्स। ये जो एचडी लेवल है उसके लिए वी आर रियली वर्किंग हार्ड फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स। व्हाट इज एचडी लेवल? ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके,
तो उसके लिए वी आर वर्किंग हार्ड. तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़ी कमी रह गई है उसे हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे. और क्या करेंगे इसके लिए? हमने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हैं, जैसे हेल्थ वाइज वी आर गिविंग, यू नो, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें आयरन की टैबलेट्स वगैरह, जो भी जिस तरह से भी उनका मतलब हेल्थ अच्छा रहे. और जो चाइल्ड मैरिजेस वैसे तो कच्छ में बहुत कम होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर कहीं भी थोड़े बहुत हो रहे हैं तो उन पर रोकथाम लगाई जाए और लेडीज को ज्यादा एजुकेट किया जाए ताकि वो अपनी हेल्थ का और अपने परिवार का ज्यादा ख्याल रखें. इसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं वहां पर. तो नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल से आपके स्टेट में है, लेकिन ये जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को लेकर इतना कोई एम्फेसिस नहीं रहा है? नहीं, यू नो, बेसिकली हर चीज पे एम्फेसिस होता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ सारी चीजें चलती हैं बिकॉज इट्स अ बिग स्टेट और हर जगह यू नो ही हैज टू पे अटेंशन. और कच्छ में तो मुझे लगता है कि उन्होंने कच्छ को नंबर वन डिस्ट्रिक्ट बनाया है पूरे गुजरात का. तो आई फील यू नो इवन वील ओवरकम दिस ऑल्सो. चलिए, सो दिस इज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू, बट नेचुरली यू नो एंड यू नीड सम चैलेंजेस इन योर लाइफ बेसिकली. सो यू एक्सेप्ट दैट दिस इज अ डेफिशिएंसी एंड दैट यू मस्ट ओवरकम. बट यू नो अगर वो उस तरह का सर्वे कह रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि आई वर्क देयर. लेकिन अगर सर्वे बता कि ये, क्योंकि ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये 2008 की स्टेटिस्टिक्स हैं. बिल्कुल, तो आई थिंक करीब डेढ़ साल पुरानी है. दो साल में मुझे लगता है हमने काफी कुछ लेवल अचीव कर लिया है और आई थिंक यू नो वी हैव डन क्वाइट वेल इन दिस. तो ये आपके सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी आप अगले 4-5 सालों में. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए पुणेम्बन वेलजीभाई जट, अ वेरी स्मॉल ब्रेक बट वील कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन. वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी वेरी क्विक ब्रेक, सो प्लीज डोंट गो अवे, वील बी बैक वेरी सून. Welcome back. You're watching Ground Rules, and we are in conversation with Poonam Veljibhai Jat from Kachchh constituency in Gujarat of the Bharatiya Janata Party. Poonam Ben, ये बताएं कि आपका जो क्षेत्र है ये एक बहुत ही strategically located constituency है. एक तरफ पाकिस्तान, अरेबियन सी के बिल्कुल जो, तो ये बताइए कि जो सर क्रीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि किस तरह से जो ये मुद्दा है इसको किस तरह से सुलझाना चाहिए? बिल्कुल, यू नो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि बेसिकली जितना भी इन्फिल्ट्रेशन होता है वो हमारे कच्छ के बॉर्डर से होता किस है. तरह से इन्फिल्ट्रेशन होता है? पानी से कहां से? नहीं, वो लोग बाय बोट्स आते हैं. अच्छा. और हर बार यू नो वहां पर, लेकिन हमने काफी वहां पर बीएसएफ वगैरह के लोग हैं तो पकड़ते हैं लोगों को, पर देन दे लेफ्ट लाइक वो फिशरमैन कहते हैं हम फिशरमैन हैं. इस तरह के प्रॉब्लम्स तो हैं. तो पाकिस्तान से आप कह रहे हैं कि नाव में लोग बैठ के आपकी तरफ मतलब भारत में इन्फिल्ट्रेट करने आते हैं? बिल्कुल. अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि जो जो फिशरमैन भारत से भी जो अरेबियन सी में जो फिशिंग करने जाते हैं वो भी वहां पकड़े जाते हैं? बिल्कुल पकड़े जाते हैं, तो वो भी होता है. तो आपको लगता है यहाँ हम भी इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ? नहीं, हम ऐसे नहीं कर रहे. चलिए, तो क्यों होता है? तो ये जो वहां के जो पाकिस्तानी जो फिशरमैन हैं जो पकड़े जाते हैं, तो ये क्या आप क्या कहना चाहती हैं कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो अभी तक नहीं सुलझाई गई? नहीं, बिल्कुल नहीं सुलझाई गई क्योंकि वहां पर कुछ थोड़े बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं. और एक और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो है सांतलपुर गड़ूरी रस्ते का, जिसका 151 किलोमीटर का बाकी है. बहुत बार केंद्र सरकार में भी उसके बारे में हमने कहा है कि आप वो रोड हमें बनवा दीजिए. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द बीएसएफ और बॉर्डर पर उनके आर्म्स एंड एम्यूनेशन और रेशनिंग पहुंचे, इसके लिए वो रोड बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन ऑलमोस्ट यू नो कितने सालों से रिप्रेजेंट करने के बाद भी रोड अभी तक बना नहीं है. नहीं, लेकिन रोड तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. नहीं, बनाना जितना हमसे हो सका, इट इज अ वेरी लेंथी रोड, तो जितना स्टेट गवर्नमेंट से हो सका है. 151 किलोमीटर उन्होंने भी बनाए हैं, लेकिन अब कुछ अपग्रेड करना है और ये एक टुकड़ा है 151 किलोमीटर वो बनाना है. लेकिन बहुत बार कहने के बावजूद भी वहां से हमें कोई जवाब नहीं मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो रोड वो किस तरह से बनाने वाले हैं. तो ये जो सर क्रीक का मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये क्या है, ये क्या मुद्दा है? इनफैक्ट वो एक ऐसा एरिया है जहां पर मार्श लैंड है, दलदल है,
तो वहां पर ना आप जिसे वो बाढ़ वगैरह कहते हैं वो नहीं लगा सकते आप। अच्छा। और वहां पर पहुंचने के लिए भी ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर आपको दलदल से चलना पड़ता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द बीएसएफ टू रीच देयर। वो वहां वॉकिंग जाते हैं। तो इसको किस तरह से सुलझाया जाए, आई डोंट नो। इट्स बेसिकली जो इसमें एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा इसमें कह सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉब्लम तो है इंडिया के लिए ओवरऑल। तो आपको लगता है कि आप एमपी हैं उस एरिया से, तो आपको भी केंद्र सरकार को आपकी जो राय है वो लेनी चाहिए, जो भी बातचीत होती है उसमें आप शामिल आपको करना चाहिए। और वो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है और उसे जितना जल्दी हो सके उसे पाकिस्तान सरकार से टेकअप करना चाहिए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन आपने लोकसभा में इस तरह के कोई सवाल पूछे, ये मुद्दा उठाया? बिल्कुल उठाया है, 2-3 बार उठाया है ये मुद्दा। मुझसे पहले जो थे व्यक्ति उन्होंने भी उठाया है, मैंने भी उठाया है। और सादलपुर गड़ोली रस्ते के बारे में भी 2-3 बार मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन जो मुझे जवाब मिले हैं वो कुछ इतने प्रॉपर नहीं है। तो इसके बारे में आप इसको और कोई? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सिर्फ गुजरात या कच्छ की बात नहीं है, ये अपने पूरे इंडिया की सिक्योरिटी की बात है। तो दे शुड गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इट। मैं एक दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगी पूनमबेन। आपने कहा कि आप राजनीति में कितने सालों से हैं? मैं राजनीति 95 से हूँ, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से। 15 ईयर्स, ये कैसे? बस यू नो आई माई फादर वॉज ऑल्सो इन बीजेपी, ही इज इन बीजेपी नाउ। तो अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट इवन आई ज्वाइन द पार्टी। तो आपके फादर बीजेपी में है कि संघ परिवार में राष्ट्रीय समिति? दोनों से जुड़े हुए हैं। दोनों से जुड़े हुए हैं। तो आप इसका मतलब आप मतलब संघ परिवार की बहुत ही एक फैमिली, परिवार इज रियली अ परिवार। बट नेचुरली इवन बीजेपी, आई थिंक यू नो इफ यू इवन ज्वाइन टूडे बीजेपी तो आप भी हमारी फैमिली हो। अच्छा ठीक है, ये आइडिया लेकर हम चलते हैं। तो बट नेचुरली तो मैं 15 ईयर्स से हूँ, लेकिन अगर आज भी कोई यंग व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन करता है तो ही इज जस्ट लाइक अवर फैमिली, इवन यू कैन कम। ओके, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। बट टेल मी समथिंग पूनम, कि लेकिन ये कहा जाता है बीजेपी में कि जो डायनेस्टी रूल है, जो बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वो हमेशा डायनेस्टी रूल के खिलाफ ये जो इश्यूज हैं उनको उठाते हैं। तो आपके जो अपना जो लेकिन जो एग्जांपल है वो भी तो डायनेस्टी रूल हुआ है? इन फैक्ट इट्स नॉट डायनेस्टी, आई रियली वांट टू क्लियर इट। ओके, क्योंकि मेरे फादर वाज जस्ट अ कार्यकर्ता, वो आज भी एक कार्यकर्ता है। वो न कभी कोई इलेक्टेड पोस्ट पर थे, न वो कभी कोई संगठन की बड़ी पोस्ट पर थे। इज जस्ट ही कार्यकर्ता। एंड बेसिकली जहां तक मेरी बात, वो बॉम्बे में काम करते हैं और मैंने खुद अपना होल्ड गांधीधाम से बेसिकली बनाया और एक छोटे कार्यकर्ता से उठकर आई हैव कम एज एन एमपी। तो मुझे नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर आई हैव गॉट दैट प्लेस, इट्स बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड दैट्स व्हाई आई हैव गॉट दिस। आप भी कार्यकर्ता थी? बिल्कुल कार्यकर्ता थी, 15 साल पहले एक छोटी कार्यकर्ता थी। कहां पे? वहीं पर गांधीधाम में, जहां आई वॉज मैरिड फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स, आई एम स्टेइंग देयर, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हम नेटिव हैं कच्छ के। अच्छा, तो आप वहां से आपने अपनी राजनीति शुरू की? बिल्कुल बिल्कुल, 95 से बिल्कुल कच्छ में ही अपनी पॉलिटिक्स शुरू की। पहले संगठन ज्वाइन किया, महिला मोर्चा में काम किया, फिर उसके बाद मैं आई गॉट द टिकट फॉर द कॉर्पोरेटर फ्रॉम गांधीधाम म्युनिसिपैलिटी। उसमें 5 साल काम किया, 5 साल तक हर कमेटी की चेयरमैन मैं रह चुकी हूं। और उसके बाद में बेसिकली द पार्टी मस्ट हैव फेल्ट कि आई कुड वर्क प्रॉपरली एज एन एमपी, इसलिए उन्होंने मुझे टिकट दी, नॉट बिकॉज माई फादर इज एन आरएसएस। तो ये चुपता है आपको कभी कभी जब लोग पूछते हैं कि आप एक आरएसएस कार्यकर्ता? नहीं, आई एम रियली आई फील प्राउड यू नो कि माई डैडी वर्क फॉर आरएसएस। आई डोंट फील, चुपता नहीं है। और मुझे तो लगता है कि अगर मुझे ये लेवल तक मिला है तो उनके आशीर्वाद से मिला है, लेकिन मैंने उसके लिए वर्क हार्ड किया। इट्स जस्ट नॉट कि आई एम जस्ट 25 और मुझे कुछ नहीं आ रहा और जस्ट बिकॉज माई फादर इज एन एमपी या एमएलए तो उन्होंने मुझे टिकट दे दी, ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि लोकसभा में इस तरह के लोग हैं? बिल्कुल, बहुत लोग हैं इस तरह के। आई डोंट अपोज एनी बडी बिकॉज आई फील यू नो कि ऐसा पर्सनली किसी पर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग हैं, बट देन इट इज देयर प्रॉब्लम। अच्छा, ये बताइए, अभी हाल ही में इंदौर में आपके भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव जो हुआ था, उसमें आपके नए प्रेसिडेंट नितिन गडकरी जी ने ये जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा एक नए सिरे से उसको उठाया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ही इज रियली अ डायनेमिक पर्सन और जो उनका स्टैंड है वो बिल्कुल सही है। क्या है स्टैंड, थोड़ा सा समझाएंगी आप थोड़े विस्तार से? आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जानती है, वो तो ठीक है, लेकिन आप बताएं। जो भी उनका स्टैंड, आई फील यू नो उनकी एक पॉलिसी मुझे अंत्योदय की है ना, वो बहुत अच्छी लगी कि हमें एज अ पर्सन, मुझे लगता है इवन इफ यू आर एन, एक पॉलिटिक्स क्या है, एक प्लेटफॉर्म है सेवा करने का, कि यू गेट अ चांस टू सर्व पीपल।
तो उसे उसी तरह से देखना चाहिए और हमें एक काम ये करना चाहिए कि अंत्योदय का मतलब होता है जो बिल्कुल यू नो अंत से किसी का आप जो बिल्कुल अंत में एक लाइन है अगर उसके बिल्कुल लास्ट पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है एक ऐसा व्यक्ति जो यू नो बिल्कुल वंचित है समाज के मतलब दूसरे लोगों को फायदे होते हैं वो उसे नहीं मिल रहे हैं तो आप उसे वहां उन तक पहुंचाइए तो दैट इज यू नो प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिक्स एंड इवन आई फील यू नो एमपीशिप इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स और इसका उपयोग इसी काम के लिए करना चाहिए. तो ये जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो अब इतने सालों से हमारे देश के सामने की इतना बड़ा मुद्दा है इसका जो हल उन्होंने एक जो एग्जाम्पल के तौर पर जो दिया कि एक मंदिर एक तरफ बन जाए दूसरी तरफ मस्जिद बन जाए तो आपको लगता है कि पार्टी में या आप क्या कहेंगे इसके बारे में. इनफैक्ट यू नो अगर वो हमारे अध्यक्ष है तो अगर वो ऐसा चाहते हैं तो आई फील इट इज राइट. और जहां तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है तो मुझे लगता है कि इसमें क्या बुरा है. लेकिन इसके पहले आपने इस बारे में कुछ सोचा? नहीं, इसके पहले मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा है. लेकिन अगर वो सब ऐसा फील करते हैं तो मुझे लगता है कि इट इज क्वाइट ऑल राइट. और आपकी कंस्टिट्यूएंसी में इन मुद्दों के बारे में लोग कुछ कहते हैं? नहीं, जैसे मैंने ऑलमोस्ट कहा कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर अगर इवन इन 2002 या 2003 के रॉट्स को ले लिया जाए या इवन बाबरी मस्जिद गोधरा वाले रॉट्स और इवन यू नो बाबरी मस्जिद के टाइम पर भी वहां पर बिल्कुल पीसफुल रहा एरिया. जबकि हमारे पास इतनी आबादी है मुस्लिम्स की होने के बावजूद भी कच्छ बहुत पीसफुल है. आज तक आई एम रियली प्राउड कि वहां कोई ऐसे दंगे या फसाद नहीं होते हैं. तो आई फील यू नो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी यही स्टैंड है. तो ये जो नितिन जी ने ये जो बदलाव जो लाने की कोशिश कर रहे हैं आप अपनी पार्टी में एक जो विस्तार से पार्टी को एक एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर है कि अभी 2009 के लोकसभा के चुनाव में जो पार्टी डिड नॉट डू वेरी वेल तो व्हाट आर द रीजंस डू यू थिंक दैट द पार्टी शुड इन व्हाट वे कैन द पार्टी इम्प्रूव टू एक्सपैंड इटसेल्फ. I think you know the party aisa I can't say like it didn't do well. No, but you're an MP but and you know you're a key member of the party in your view. Kyunki you generally don't know exactly you know how the people feel. Har waqt har basic har election ke waqt logon ka jo mood hota hai logon ki jo soch hoti hai wo bhi bahut important role play karti hai. So many times even I feel you know in failure you learn many things. But you accept that the party failed. As I don't accept you know. Okay. But you know somewhere we got less seats. So but naturally if we have even while you give an example if you give an example like if you're giving an exam so you get less marks but naturally try better the next time. So I feel you know okay we have got a better chance now so we should do more well. Aur mahilaon ko lekar Bharatiya Janata Party mein lagta hai kabhi kabhi that it's not very much in favor of women. Nahi aisa nahi hai mujhe in fact lagta hai ki jab NDA ki bhi government thi so they were very much in favor. Even they wanted to bring that 33% car reservation. Okay. And almost in all over Gujarat we have done 50% reservations for the taluka and jila panchayat elections. Okay, so as a woman member of the BJP Poonamben, tell me ki is 15th lok sabha ke dauran do you think this issue of 33% of reservation for women will you support it? Yeah, if and when it comes up bilkul I'll support it. Nothing better than that. Why But naturally, you know, being a woman, I feel, you know, okay, ladies deserve why 33%, even 50%. But because we are 50% of the population. But your party is in favor of yeah, such my party a high percentage? Is in favor of it, but naturally. So, आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है इस But naturally, my party is very much in favor. लेकिन अभी तो the ball is in their court, Congress का court. So, if they want to do it, they will do it. Do you think they want to do it? I'm a little bit doubtful. Why? If they could, you know, easily they could have done that within this 10 months, but they didn't do it. So just the waiting and watching. I don't know why. So you think कि आपकी पार्टी को इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा पुश करना चाहिए? बिल्कुल हाँ, मुझे लगता है इस मुद्दे पर पुश करना चाहिए. और इस मुद्दे पर क्यों, महंगाई पर भी. आप देखिए कितनी महंगाई है पूरे भारत में. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज आपके आपकी राय में, women's reservation, yeah. I think you know महंगाई comes first, okay. Then women's reservation, okay. And third, जो ये schemes तो ले आते हैं लेकिन उसका proper implementation नहीं होता है, that is important. Okay. Poonamben, thank you so much for talking to us on Lok Sabha TV. Thanks. Thank you. I'm afraid we have to leave it there, but you've been witness to this very very interesting discussion with Poonam Veljibhai Jat, the BJP MP from Kutch in Gujarat. Please write to us on groundrules.lstv@gmail.com. This is a weekly show with elected members to the Lok Sabha.
So please let us know what you think, and thank you so much for watching.